You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। डोज कॉइन 5 मिलियन वॉलेट्स के रिमार्केबल मार्क तक पहुंच जाता है। बिटकॉइन ETF अप्रूवल का रूमर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को ट्रिगर कर देता है। और भी ज्यादा फॉरेन बैंक्स अब चाइना के CBDC पायलट ट्रायल्स को ज्वाइन करेगी। टेथर USDT का मार्केट कैप स्काइरॉकेट होते हुए $90 बिलियन तक के ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाता है। क्रिप्टोकरेंसी कस्पा 24 घंटों में 7% से अधिक बढ़ जाती है। सोलाना डॉग कॉइन बॉन्ग मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग के साथ साथ 12% से जंप करती है। A16Z Web3 कंज्यूमर ऐप सेटर को सीड राउंड में $5 मिलियन से फंड करती है। बिटफार्म्स बिटमेंस के BTC माइनर $95.5 मिलियन के लिए खरीदती है। यूरोपियन यूनियन मेटावर्स डेवलपमेंट के लिए क्रिप्टो में AI के यूज केसेस, अब AI DAOs को चला सकता है। Dragonfly बैग्ड ऑन चेन ऑर्डर बुक इंसोनिया एप्टोस मेननेट पर लॉन्च करती है। बिटकॉइन माइनिंग फर्म फिनिक्स ग्रुप्स अपने शेयर को लिस्ट करने के लिए डिले करती है। डॉगथेम क्रिप्टोकरेंसी डोजकॉइन एक इनक्रेडिबल माइलस्टोन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब डोजकॉइन के वैलिड एड्रेसेस बैलेंस के साथ 5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इनटू द ब्लॉक के डेटा के अनुसार ये माइलस्टोन एक यूजर एक्टिविटी की ट्रेमेंडस इंक्रीज के बाद आता है, जब बिटकॉइन में 168,000 एक्टिव एड्रेसेस थे एक दिन में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कंटिन्यू किए हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स BTC में पोटेंशियल अप्रूवल बिटकॉइन के स्पॉट ट्रेडिंग ETFs के रूमर के साथ। अब सब लोग रेगुलेटरी होल्डर्स को हटा रहे हैं और ETF अप्रूवल का एंटीसिपेशन कर रहे हैं। लोकल न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से हांगकांग बेस्ड HSBC, हैंग सेंग बैंक और ताइवानीज बैंक फुबोन बैंक ने भी अपने CNY इंटीग्रेशंस को ऐड कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म्स में। सारे फॉरेन बैंक्स अब अलाउ करेंगे अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफर और विड्रॉ करने के लिए eCY, जबकि हैंग सेंग बैंक ने ये भी अलाउ किया है कि पर्सनल बैंकिंग कस्टमर्स अब डेबिट कार्ड्स का यूज करके eCNY ऐप को यूज करके डिजिटल रेनमिनबी भी रिडीम कर सकते हैं। टेथर का USDT स्टेबल कॉइन अब रिसेंटली ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका है, जब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $88.9 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ये दिखाता है ग्रोइंग कॉन्फिडेंस क्रिप्टोकरेंसीज में, और इसी के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साइकिल में बड़े मार्केट मूवमेंट्स हो सकते हैं। पिछले 24 घंटों में कास्पा का प्राइस 7.75% से बढ़कर $0.13 तक पहुंच चुका है। ये कंटिन्यूस पॉजिटिव ट्रेंड पिछले वीक में कंटिन्यूड रहा, जिसमें कि उसे 6% का गेन हुआ था, जब उसकी प्राइस $0.13 से उसके करंट प्राइस तक पहुंच गई थी। अभी कॉइन ऑल टाइम हाई पर है $0.15 के प्राइस के साथ। रिकॉर्डिंग के समय बॉन्ग की प्राइस 13.22% से बढ़ चुकी है पिछले 24 घंटों में। अब उसकी प्राइस $0.00004132 तक पहुंच चुकी है। बॉन्ग के एक स्टेडी राइज पर देखा जा रहा है अक्टूबर के एंड के बाद रैली एक्सेलरेट हुई गोल्डन क्रॉस डेली चार्ट बनने के बाद। वेंचर कैपिटल एडर्सन हॉवर्जर्ट A16Z ने एक $5 मिलियन का राउंड सेटलर के लिए रेस किया, जो कि एक कंज्यूमर ऐप है जो कि ब्रांड्स को Web3 पावर्ड कॉमर्स को एक्सप्लोर करने देगी। यह ऐप न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड सेटलर पैंस से बनाया गया है और यह ब्रांड्स को एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स और लिमिटेड एडिशन ड्रॉप्स के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फर्म के द्वारा किए गए एक ईमेल अनाउंसमेंट के हिसाब से। माइनिंग कंपनी बिटफार्म्स ने 35,878 एंट माइनर T21 बिटकॉइन माइनिंग डिवाइसेस का ऑर्डर दिया है बिटमैन को $2,660 पर यूनिट के हिसाब से। स्टेटमेंट के अनुसार ट्रांजेक्शन की अमाउंट $95.5 मिलियन थी और इक्विपमेंट की डिलीवरी March to May 2024 में की जा रही है। बिटफार्म को एक और बड़ा ऑर्डर मिला 28,000 एंट माइनर T21 माइनस का भी।